Assalamu alaikum. This is Manzoor sir again welcoming you in the online classes of 10th mathematics. Is waqt hum coordinate geometry ka third topic pad rahe hain, area of triangle. To is third topic mein exercise 7.3 ka question number 4 ab hum lenge. Ab question number 4 mein yahan pe hame 4 point diye gaye hain. तो हमें क्या करना है, ये चार पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इस तरह से, इन इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन चार पॉइंटों का नाम रखेंगे. लेट ए इज इक्वल टू -4 -2, बी इज इक्वल टू -3 -5, सी इज इक्वल टू 3, -2, डी इज इक्वल टू 2, 3. लेट दीज बी द गिवन पॉइंट्स. अब इस तरह से ये चार पॉइंट्स हैं, तो अब इन चार पॉइंट्स से जो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखेंगे, हम सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल में इस तरह से एक डायगोनल डालते हैं BD. अब यहाँ पर इस डायगोनल बेस पर जो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है BCD, और इस डायगोनल के इस तरफ से भी एक ट्रायंगल बनता है ABD. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगलों का अलग अलग एरिया निकालेंगे. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे. पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालेंगे, वहाँ पे हमें तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट पता हैं. तो उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे. तो दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालने के बाद हम उन दोनों एरियों को ऐड करेंगे, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, व एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली फार्मूला लिखेंगे 1/2 ऑफ x1 × y2 − y3 प्लस x2 × y3 − y1 प्लस x3 × y1 − y2. अब इसके बाद हमें दिमाग में रखना है ABD, सी को हमें छुपा के रखना है. ए हम ट्रायंगल ABD का एरिया निकालते हैं, ABD. तो ए के कोऑर्डिनेटर को हमें नाम देना है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेटर को हमें नाम देना है दिमाग में x2 y2, और डी सी के बजाय डी लेना है, तो इसके कोऑर्डिनेटर को नाम देना है x3 y3. तो यही वैल्यू यहाँ पे डालने हैं, 1/2 ऑफ x1 है −4 × y2, x2 y2 सेकंड पॉइंट −5, −y2 − y3 प्लस x2 दूसरा पॉइंट उसका x −3, तो लिखो −3 × y3 − y1 − 2. तो माइनस जब यहाँ लिखेंगे −2, तो ये बन जाएगा +2. उसके बाद प्लस x3 थर्ड पॉइंट में जाइए, x3 × y1 मतलब पहले पॉइंट में जाइए −2 − y2 मतलब सेकंड पॉइंट का y −5 जब यहाँ पे लिखेंगे, ये बन जाएगा +5. अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, 1/2 ऑफ −4 × −5 − 3 को ऐड कीजिए −8. इसके बाद प्लस −3 लिखिए, 3 + 2 = 5, +2 × −2 + 5 = 3. 1/2 ऑफ, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, −(−+)4 × 8 = 32, 3 × 5 = 15, +3 × 2 = 6. अब इसके बाद 1/2 को अपनी जगह रखिए, अब इन नंबरों को ऐड कीजिए, 13 − 32 − 15 = 17, 17 + 6 = 23. तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ 23 या 23/2. तो ये हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. अब हम निकालेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया BCD, ये वाला ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD
इसके लिए भी हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला एक ही है, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू, ये सिक्वेंस याद रखनी है। अब इसके बाद वैल्यूज, अब देखिए यहाँ पे हमारा ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, बी सी डी, यानी पहले पॉइंट को छोड़ना है बी, इसके कोऑर्डिनेट को आपको नाम देना है एक्स वन वाई वन, ये पहला पॉइंट है हमारे इस ट्रायंगल का, बी एक्स वन वाई वन, सी एक्स टू वाई टू, डी एक्स थ्री वाई थ्री। तो यहाँ पे लिखिए वन हाफ ऑफ, पहले लिखना है एक्स वन, एक्स वन लीजिए माइनस थ्री, पहला पॉइंट ये है, तो लिखिए माइनस थ्री इंटू वाई टू, वाई टू, वाई टू मतलब सेकंड पॉइंट में जाइए, उसका वाई क्या है माइनस टू, तो लिखो माइनस टू, माइनस वाई थ्री, थर्ड पॉइंट क्या है ये, तो लिखो इसका वाई थ्री, प्लस एक्स टू सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है ये बी सी डी, सेकंड पॉइंट ये है एक्स टू, इसका एक्स क्या है थ्री, तो लिखो एक्स टू की जगह लिखो थ्री इंटू वाई थ्री, थर्ड पॉइंट का वाई, थर्ड पॉइंट हमारा ये है, इसका वाई क्या है थ्री, तो लिखो थ्री माइनस वाई वन, वाई वन मतलब पहले पॉइंट का वाई, माइनस फाइव, तो लिखो यहाँ माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस फाइव, प्लस अब इसके बाद प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री मतलब थर्ड पॉइंट जो है उसका एक्स टू, तो लिखो टू इंटू वाई वन, पहले पॉइंट का वाई माइनस फाइव, माइनस वाई टू, वाई टू मतलब दूसरा पॉइंट जो है उसका वाई माइनस टू, तो लिखो माइनस टू, ये बन जाएगा प्लस टू। अब इस सारे को सिंपलीफाई करना है, वन हाफ ऑफ माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस फाइव एट, प्लस टू इंटू माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री, पहले ये एडिशन करने हैं, उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई करने हैं ब्रैकेट में, वन हाफ ऑफ माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस फाइव, थ्री ज़ार फिफ्टीन, थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर थर्टी नाइन, थर्टी नाइन माइनस सिक्स थर्टी थ्री, वन हाफ ऑफ थर्टी थ्री बन जाता है थर्टी थ्री बाई टू। तो ये हमने दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाला, पहले ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला ट्वेंटी थ्री बाई टू और दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकला थर्टी थ्री बाई टू। अब हम लास्ट में लिखेंगे फाइनल, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में ऐसे लिखते हैं, ऐसे सिंबल बनाते हैं ए बी सी डी। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, जो आपने पहला ट्रायंगल लिया था उसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इन दो ट्रायंगलों का एरिया लिखो, उनको ऐड करो, तो वी विल गेट द आंसर। तो 23 बाई टू प्लस 33 बाई टू, यहाँ देखो डिवाइड में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सीधे ऐड कीजिए, 3 प्लस 3 सिक्स, 3 प्लस 2 फाइव, तो ये बन जाएगा 56 बाई टू विच इज़ इक्वल टू 28। तो यहाँ पे रखिए स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और प्रोबेबली इस टॉपिक का और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन है कि हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी, ये तीन पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री का एक फैक्ट वेरीफाई करना है कि
कि एक ट्रायंगल में अगर आप मीडियन लेंगे, मीडियन मीडियन क्या होता है, अगर आप किसी साइड का मिड पॉइंट लेंगे, सपोज बी सी का मिड पॉइंट जो बराबर बी सी के सेंटर में होगा, अगर उस पॉइंट को आप अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाएंगे, इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। तो ज्योमेट्री में एक फैक्ट है, इवन एक थ्योरम भी है कि ये मीडियन जो है इट डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यहाँ पे ये मीडियन जो है ये इस ट्रायंगल को बराबर दो ट्रायंगलों में डिवाइड करता है, यानी इन दोनों, एक ट्रायंगल जो यहाँ पे बनता है ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल जो बनता है ए सी डी, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे हमें ये वाला फैक्ट जो है इसको हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। डी चूंकि बी सी का मिड पॉइंट है तो इसको हम वही सेक्शन फार्मूला के जरिए हम सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल ए बी डी, हमें ए के कोऑर्डिनेट भी मालूम है, बी के भी मालूम है, डी के भी हम निकालेंगे। उसके बाद हम ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल ए सी डी का भी एरिया निकालेंगे। अगर वो दोनों एरिया सेम निकलते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होगा, हमें वेरीफाई होगा कि हाँ जी मीडियन जो है वो एक ट्रायंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, क्योंकि यहाँ डी का कहीं पे क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट डी बी मिड पॉइंट, लेट डी बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड लेट ए डी बी मीडियन। तो उसी हिसाब से ए डी क्या होगा, ए डी एंड बी बी विल बी मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले की तरह, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, therefore coordinates of D are given by using section formula D is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 1 into x2 5 plus m2 x1 वन इंटू थ्री, सेक्शन फार्मूला याद कीजिए, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। इस तरह अगर वाई निकालना है, एम वन वाई टू, एम वन वाई टू वन इंटू टू प्लस एम टू वाई वन, वन इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई कीजिए, फाइव वन जार फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, वन टू जार टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये बन जाएगा फाइव प्लस थ्री एट, एट बाई टू फोर, टू माइनस टू ज़ीरो, ज़ीरो बाई टू ज़ीरो। तो ये हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाले, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर ज़ीरो। अब क्या करना है, अब हम ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल ए सी डी का भी एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फार्मूला वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली फार्मूला, वन हाफ ऑफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू। हम चूंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए बी डी, ए बी डी, ए के कोऑर्डिनेटों को आप बोलिए एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेटों को बोलना है एक्स टू वाई टू, एक्स टू थ्री है और वाई टू माइनस टू, और डी के कोऑर्डिनेटों को बोलना है एक्स थ्री वाई थ्री। तो यही वैल्यू यहाँ फार्मूला में देने हैं, पहले है ना एक्स वन हाफ हाफ एक्स वन, एक्स वन हम लेंगे फोर इंटू वाई टू, वाई टू हम दूसरे पॉइंट का वाई लेंगे माइनस टू,
माइनस वाई थ्री, वाई थ्री तीसरे पॉइंट का वाई हम लेंगे, जीरो प्लस एक्स टू, एक्स टू दूसरे पॉइंट का एक्स थ्री इंटू वाई थ्री, वाई थ्री मतलब तीसरे पॉइंट का वाई जीरो, माइनस वाई वन पहले पॉइंट का वाई, पहले पॉइंट का वाई क्या है एक्स वन वाई वन माइनस सिक्स, तो यहाँ वाई वन की जगह लिखना है माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस सिक्स, प्लस एक्स थ्री तीसरे पॉइंट का एक्स फोर इंटू वाई वन, वाई वन मतलब पहले पॉइंट का वाई, वाई वन एक्स वन वाई वन माइनस सिक्स, माइनस वाई टू एक्स टू वाई टू, वाई टू क्या है माइनस टू। तो वैल्यू, ये वैल्यू ध्यान से डालने हैं, उसके बाद सिंपलीफाई करना आसान है, सिर्फ वैल्यू डालने में कोई गलती, वैल्यू देने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वन हाफ ऑफ फोर इंटू माइनस टू माइनस जीरो देखना है कितना होता है, प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस सिक्स सिक्स, प्लस फोर इंटू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर, तो इट विल बिकम वन हाफ ऑफ माइनस एट प्लस एटीन माइनस सिक्सटीन, तो इट विल बिकम वन हाफ ऑफ माइनस एट माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस एटीन माइनस सिक्स, वन हाफ ऑफ माइनस सिक्स होता है माइनस थ्री, तो यहाँ ट्रायंगल का एरिया निकलता है माइनस थ्री, तो चूंकि ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं थ्री इन मैग्नीट्यूड, यानी ट्रायंगल का एरिया होगा थ्री मैग्नीट्यूड के लिहाज से, तो माइनस साइन को यहाँ पे हम रिजेक्ट करते हैं। अब इसी तरह ये तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसी तरह हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, हमें देखना है ना कि इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया सेम है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसी तरह हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, फॉर्मूला वही है वन हाफ ऑफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो यहाँ पे भी अपने अपने वैल्यू आप दीजिए, उसके बाद आराम से ये ट्रायंगल का एरिया हमें निकल आएगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ हमें जहन में रखना है ट्रायंगल हमने लिया, हमने ट्रायंगल लिया ए सी डी, तो ए के पॉइंटों को कोऑर्डिनेटों का हमें बोलना है एक्स वन वाई वन, सी के कोऑर्डिनेटों का हमें बोलना है एक्स टू वाई टू, और डी के कोऑर्डिनेटों को हमें बोलना है एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें देने हैं वन हाफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन हमने लेना है फोर, एक्स वन फोर इंटू लिखना है ना ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू, वाई टू ये है माइनस वाई थ्री, टू माइनस ज़ीरो लिखेंगे सिंपली, टू माइनस ज़ीरो प्लस एक्स टू दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है ए सी डी, दूसरा पॉइंट ये है एक्स टू, इसका क्या है फाइव, तो लिखना है फाइव इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री मतलब थर्ड पॉइंट का वाई माइनस वाई वन पहले पॉइंट का वाई, वाई थ्री माइनस वाई वन ज़ीरो माइनस दिस, तो ये बन जाएगा ज़ीरो प्लस सिक्स, तो यहाँ पे लिखना है ज़ीरो प्लस सिक्स, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री मतलब थर्ड पॉइंट का एक्स, ये ए सी डी थर्ड पॉइंट क्या है डी, तो इसका एक्स आप लिखो, इसका एक्स है फोर इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन, वन पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये वाई वन माइनस वाई टू माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस टू। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, वन हाफ ऑफ फोर इंटू टू माइनस ज़ीरो टू प्लस फाइव इंटू ज़ीरो प्लस सिक्स सिक्स प्लस फोर इंटू माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, वन हाफ ऑफ फोर टू ज़र, यहाँ मल्टीप्लाई करना है फोर टू ज़र, फोर टू ज़र एट प्लस
फाइव सिक्स आर थर्टी, फोर एट आर माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ थर्टी प्लस एट थर्टी एट, थर्टी एट माइनस थर्टी टू सिक्स, तो वन हाफ ऑफ सिक्स कितना होता है थ्री। पहले ट्रायंगल का एरिया कितना निकला था थ्री, सेकंड ट्रायंगल का एरिया कितना निकला थ्री। सो यहाँ पे हम क्या वही ऑब्जर्व डैट हेयर वही ऑब्जर्व डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो हमने पहला ट्रायंगल लिया था इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। हमें वेरीफाई करना था कि मीडियन जो है, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो वही हमने वेरीफाई किया। हमने इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाला, दोनों का एरिया हमने हमें थ्री निकला। तो इसका मतलब है कि मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर इख्तिताम पज़ीर होता है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।